फुटपाथ पर खड़ा था यूं कोई बेसहारा, भूखा था कई दिनों से, दुनिया से था सिधारा। और उल्टा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोग कह रहे हर घर तिरंगा होगा, तिरंगा इसके पास है, घर दे दो। हाथ तो है ना तिरंगा के लिए, क्या प्रॉब्लम है। और एक साथ गीता और कुरान चले गए, मानवता के मूर्तिमान चले गए, सबके प्यारे अब्दुल कलाम चले गए। ठीक है, तो आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे और हर घर तिरंगा होगा। उससे पहले कुछ लाइनें कि क्या है प्रॉब्लम, कि हम वास्तव में भारतीय कहलाते तो हैं, दिखते भी हैं, लेकिन दिल कुछ और कहता है। कि मेरे आचार्य जी कैलाश, आचार्य कैलाशनाथ पांडे का कुछ लाइनें हैं कि देखिए यह रूप कितना ग्रैंड है, देखिए यह रूप कितना ग्रैंड है, देह है कि साइकिल स्टैंड है, हो हमारी सूरत भले ही इंडियन, फिर भी हमारा दिन मेड इन इंग्लैंड है। फिर जो चीज़ें चल रही हैं, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तकदीर के कातिल मेरा ईमान लिख देना, मेरे तकदीर के कातिल मेरा ईमान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे तुम हिंदुस्तान लिख देना, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। और मुझसे कोई पूछा कि तुम दाढ़ी क्यों कटा लिए। अच्छा, दाढ़ी मेरी बहुत बड़ी बड़ी थी सेफ स्टाइल से पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने सदगुरु को फॉलो करके अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मतलब हिंदुस्तान में मनौती का एक सिस्टम होता माना जाता है, तो मनौती के बीच में क्या हुआ, मेरी इंडियन आर्मी की SSB आ गई, तो मेरे लिए क्या होता है कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निर्ध्यान में लाऊं कभी, ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो। रामप्रसाद बिस्मिल की लाइन है, ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा है मृत्यु का देशोपकारक कर्मो। दाढ़ी का असर कटा सकते हैं तो फिर दाढ़ी कौन सी बात थी। फिर अब जो अभी गवर्नमेंट ने थीम दी है हर घर तिरंगा होगा, तो वही कविता सुनिएगा, बहुत प्यारी सी कविता है कि हर घर तिरंगा होगा, हर घर तिरंगा होगा, जो पंगा लेगा पंगा होगा। हर घर तिरंगा होगा, जो पंगा लेगा पंगा होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का बंदा होगा, और जिसने भी आंख दिखाई वो शख्स अगले दिन अंधा होगा। और चीन हो या पाकिस्तान, अच्छा व्यवहार करोगे तो धंधा होगा। चीन हो या पाकिस्तान, अच्छा व्यवहार करोगे तो धंधा होगा, गंदा व्यवहार किया तो तुम्हारे देश में तुम्हारे ही खिलाफ दंगा होगा। ठीक है, फिर हम तो शांति प्रिय हैं साहब, शांति फैलाते हैं, हम तो शांति प्रिय हैं साहब, शांति फैलाते हैं, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाते हैं, हम शांति प्रिय लोग भारतवासी कहलाते हैं। जय मातृभूमि, जय स्वदेश, हिंदुस्तान जिंदाबाद।